सागर जिले की जैसीनगर पुलिस ने अफीम की खेती पकड़ी है। आरोपियों ने प्याज और गेहूं की फसल के बीच अफीम लगाई हुई थी। पुलिस ने खेत में दबिश देकर कार्रवाई में 740 अफीम के हरे पौधे जब्त किए हैं। मामले में एनडीपीसी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया गया है। जैसीनगर टीआई शिवंगल सह राठौर के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के ग्राम मनकुआई में चरणलाल काची के खेतों में अफीम के पौधे लगे हुए हैं। सूचना मिलते ही कार्रवाई के लिए पुलिस टीम गठित की गई। टीम कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंची, जहां चरणलाल काची के खेत में गेहूं और प्याज लगा हुआ था। आजू बाजू के दोनों खेतों में 740 अफीम के हरे पौधे लगे हुए थे। अफीम मिलने पर पुलिस ने जब्त किया है। कार्रवाई में पुलिस ने खेत से 740 अफीम के पौधे, कुल वजन 53 किलो 700 ग्राम है, जिसकी कीमत 1,10,000 रुपये बताई गई है। साथ ही टीआई ने बताया कि राजस्व विभाग से जानकारी जुटाई जा रही है कि खेत किसका है और कौन जोत रहा था। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। ये सर क्या हुआ भैया कि ये मनकियाई गांव है। मनकियाई गांव में ऐसी मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक चरण पटेल का खेत है, वहीं उसका घर बना हुआ है। घर के पीछे तरफ वो खेती करता है, उसी में वो अवैध रूप से अफीम के पौधा बोए हुए है। तो मुखबिर की सूचना को तस्दीक किया तो उसके दो खसरों में खेत हैं, तो दोनों में क्यारियों में जो है ना तो अफीम के पौधा जो है ना लगे हुए थे, तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की गई है। कितने पौधे थे? और करीब करीब 740 पौधा निकले हैं दोनों खेतों में, कितनी कीमत हुई थी? और 1,10,000 रुपये। आरोपी पर क्या कार्रवाई? आरोपी अभी जो है ना पहले राजस्व विभाग से किसकी ज़मीन है ये क्लियर कर रहे हैं, फिर इसको देखते हैं कि उसको कौन जोत बो रहा था, कौन बोया है, ये कंफर्म हो जाने के बाद उसमें जो है ना आरोपी गिरफ्तार किया। खेत किसका है, क्लियर हो गया? खेत तो ये क्लियर हो गया है कि क्या नाम से वो इसका चरण पटेल का खेत, काजी पटेल का।